गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई रवि कुमार समाधिया एंड आई विल टीच हेयर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 लैब. ओके, जैसे कि हमने दो प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. हम एक ऑपरेशन हमने कराया था, वेरियस ऑपरेशंस ऑन टीथ लेथ मशीन, और सेकंड ऑपरेशन हमने कराया था आपको कि टू क्रिएट अ एक्सटर्नल कीवे और टू फ्लैट द सरफेस ऑन शेपर मशीन. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टू परफॉर्म एन एसेंट्रिक टर्निंग ऑन MS बार ऑन फोर्थ चक लेथ मशीन. एक्चुअली क्या है कि जो हम टर्निंग करते हैं, बेसिकली लेथ मशीन पर जो हम टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं, टर्निंग मींस कि टू रिड्यूस द डायमीटर ऑन द फ्रॉम द वर्क पीस. तो टर्निंग जो होती है वो बेसिकली फोर टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज सिंपल और प्लेन टर्निंग, सेकंड वन इज स्टेप टर्निंग, थर्ड वन इज आपकी टेपर टर्निंग, एंड फोर्थ वन इज एसेंट्रिक टर्निंग. स्टूडेंट्स, ये एसेंट्रिक मींस क्या है? एसेंट्रिक मींस हम कहेंगे कि सेंटर एक्सिस जो है वर्क पीस की, उससे थोड़ा सा हटकर, मींस टर्निंग फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द वर्क पीस टू ऑफ दैट सेंटर. ओके, तो बेसिकली द इंजन क्रैंकशाफ्ट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एसेंट्रिक टर्निंग. इसमें हमें क्या करना है, अपरेटस जो हम यूज करेंगे वो फोर चक यूज करेंगे. ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें जो चक यूज करना है वो फोर जो होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है उसको थोड़ा सा साइड से, हमें क्या करेंगे, जो वर्कपीस का रोटेशन जो होगा वो थोड़ा सा सेंटर पे ना होगी, थोड़ा हटकर होगा, तो तभी मेटल जो रिमूव होगा वो एक साइड से, एक एक्सेस से ज्यादा और अदर पोर्शन से थोड़ा कम मेटल रिमूव होगा. तो इसे हम कहते हैं एसेंट्रिक टर्निंग. फोर जो चक, मतलब जो चक जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, थ्री जो चक का फोर जो चक. थ्री जो चक जो यूज होता है वो रेगुलर वर्कपीस मींस की इक्वल डायमीटर के लिए होता है, और फोर जो चक जो होता है वो नॉट फॉर द रेगुलर वर्कपीस, इट कैन बी यूज फॉर द इन इरेगुलर शेप ऑफ द वर्क पीस. ओके, यहाँ पर हम यूज करेंगे लेथ मशीन, सरफेस गेज यूज करेंगे जो कि फोर जो चक पर लगा के वो सेंटर से क्लिक हो चुका है, मतलब अटैच हुआ है या नहीं हुआ है ये हम चेक करेंगे. वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे जो कि उसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है. स्टील स्किल से हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं. जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो MS बार यूज कर रहे हैं, 25 mm का हम डायमीटर का वर्क पीस यहाँ पर यूज करेंगे. बेसिकली जो वर्कपीस होता है वो सेंटर से टर्न ना होके, आधा पोर्शन तो सेंटर से टर्न रहेगा बट आधे पोर्शन पर जो वर्कपीस रिमूव होगा वो सेंटर से ना रिमूव होके, उसका सेंटर कहीं ऑफ, मतलब थोड़ा साइड में फिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा मेटल अलग से रिमूव होगा. इसको हम दिखाते हैं आपको फोर जो मशीन पर. ओके स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ये लेथ मशीन है जो कि फोर जो चक, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 1, 2, 3, 4, ये फोर जो चक है. पहले जो का दूसरे जो के बीच में जो डिफरेंस एंगल है वो 90 डिग्री है, जैसा कि हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं. ये जो है सेल्फ सेंट्रिक चक ना होकर इंडिविजुअली चक होता है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, एक एक जॉ को इंडिविजुअली हमें क्या करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्कपीस को, इस वर्कपीस का सेंटर जो है वो ऑफ हो जाएगा. अभी आप देखेंगे ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं. आप ये देख रहे हैं कि वर्कपीस सेंटर पे ना लगकर साइड में, और जो ऐसी शेप निकल गई, इसका सेंटर जो था पहले शाफ्ट का ये था, बट अब इस वाले पोर्शन का जो सेंटर है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो ये इसका सेंटर हो गया. तो मतलब ये क्या है कि ये एक हमारा एसेंट्रिक ऑपरेशन है. ये इसका साइड व्यू है, अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये बिल्कुल पीछे से रॉड आ रही है आगे की तरफ, और आगे की तरफ आके इसका सेंटर जो है इस आगे वाले पोर्शन का यहाँ शिफ्ट हो गया. ये सेंटर जो है ये पूरी MS बार का सेंटर है. तो यहाँ पर आप 5 देख रहे हैं, ये जो 5 है ये हमारी इसेंट्रिसिटी है, मतलब सेंटर से हटकर हमने क्या किया, टर्निंग किया, तो दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक टर्निंग. ओके स्टूडेंट, आई होप आप, अभी आपको ऑपरेशन दिखा, चलो बताओ.
स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेंटर है वर्क पीस का, इस वाले पोर्शन का सेंटर आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पोर्शन का सेंटर जो है अलग दिखाई दे रहा है, बाकी की शाफ्ट का पोर्शन अलग दिखाई दे रहा है। तो ये टर्निंग जो की है वो हमने सेंटर से हटकर की है, मतलब इस वाले पोर्शन को हमें सेंट्रिक करना था तो हमने सेंट्रिक टर्निंग के थ्रू इसको अलग कर दिया है। ओके, तो ये हमारा जरूरत पड़ती है जो हमें यूज करना पड़ता है, वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट बेसिकली यूज करना पड़ता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।